जो सुकून मुझे ये देख के मिला ना भाई कि अपने साथ में अपने सब्सक्राइबर समाज पर दे, वो शायद से मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। बंद कर दो भाई, ऐसे अंधेरा हो गया अपनी लाइफ में। चलिए फिर सहरी करते शब मेराज की रोजी, आ जाइए रोजा लगा। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, मेरा नाम आदम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत हो गए। तो ये ब्लॉग कब आएगा मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे अपनी पढ़ाई चल रही है, क्योंकि फरवरी के महीने से अपने एक्चुअल में हल्के फुल्के बैंड में स्टार्ट हुई है, अभी तो खैर पिक्चर शुरू हुई है। अब मेरे क्लासेस का टाइमिंग भी चेंज हो चुका है, अभी मुझे और थोड़ी जल्दी निकलना पड़ेगा, अपने पर टाइम से पहले पहुँचने की आदत है। रेडी होने में थोड़ा बहुत टाइम जाएगा, इससे अच्छा छुट्टी पर जाता है। तो और ये आपका भाई रेडी हो गया है, कॉमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिखना मत भूलना। तो अभी बात क्या किसकी बात, सर मुझे सुबह के 10 बजने वाले हैं, एकदम हल्की हल्की ठंडी महसूस हो रही है। ये देखो भाई, अभी ऑलमोस्ट सारी की सारी दुकानें बंद है। सर मुराद भाई के आने के बाद से जब भी मैं डोंगनी आता हूँ, चलिए हर बार मुझे वो सुन आता है जहाँ पर सब्जी यहाँ पे क्या ये सब कुछ जाम था, फुल पैक था। भाई जब था भाई हेरियत क्या लगता है आज का देखते क्या होता है। A few moments later. मोहम्मद भाई, वाहियात से कोई खराब अल्फाज है? मत ढूंढो भाई, बदमाश। ढूंढ के निकालो। वैसे आज अपना पेपर गया भाई। बंद कर दो भाई, ऐसे अंधेरा हो गया अपनी लाइफ में। ऐसा अंधेरा हो गया अपनी लाइफ में, उजाला था ऐसा, लेकिन ये दिन आके ऐसा अंधेरा हो गया। वैसे इतना बुरा भी नहीं गया पेपर। पेपर बहुत घटिया था, गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन पेपर घटिया नहीं, पेपर देने वाला घटिया था। तो घर पे आने के बाद मैं सो गया था उसको आधे घंटे के लिए, अभी 3:15 बज रहे। आज मेरा जो 100 मार्क्स का पेपर था, आई ट्रस्ट मी स्कूल के दिन मुझे याद आएगा। फाइनल एग्जाम आने में सिर्फ थोड़ा ही टाइम बचा, बट दैट्स व्हाई ये ब्लॉग जो लेट आया। वैसे कल भी हमारा टेस्ट था, लेकिन हमने मिस कर रिक्वेस्ट की है, मिस एक दिन एक्सटेंड करो। तो फिर हमारा टेस्ट जुमेरात होगा कल का दिन आने वाला। फिर थर्सडे का मैं टेस्ट एक कंफर्म, लेकिन उसके नेक्स्ट दिन यानी कि फ्राइडे के दिन मेरा टेस्ट है। इसे किस्मत इतना मारा हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फिर वही है भाई, कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। All right, तो पहले तो आप सभी लोगों को शबे मेरा बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो, क्योंकि आज का एंड कल का दिन जो रोजा है अपना, आई मीन 7 और 8 तारीख का अपना रोजा है शबे मेराज का। तो अभी जो सुबह के 3:15 बज रहे हैं यहाँ पे, वैसे अपनी हुई है सहरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सहरी और रोजे की नियत में हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो सुबह के 6:15 बज रहे हैं, फजर की नमाज का वक्त हुआ जाता है, जल्दी नमाज करते हैं, नमाज की दुआ करते हैं। और रियान मेरे भाई कैसे है, कैसे है भाई मुंबई का वेदर कैसा? ना तो ठंडा ना ज़्यादा गर्म, नहीं तो इतने मज़े अच्छा खासा ठंडा हो जाता है। सुबह सुबह 24 डिग्री सेल्सियस है, और अभी टेम्परेचर तो गिरेगा कुछ दिनों में। एक और मज़े की बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ, फजर के वक्त माशाल्लाह से अपने काफ़ी सब्सक्राइबर्स अपने साथ में होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, बातें करते हैं। एक बार दिखाने के लिए बताने के लिए बहुत सी चीज़ें हम दिखा सकते हैं बता सकते हैं। जो सुकून मुझे ये देख के मिला ना भाई कि अपने साथ में अपने सब्सक्राइबर समर्थ पढ़ते हैं, वो शायद से मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। क्या हो रहा है भाई, बारिश के छींटे उड़े कि कोई उड़ा रहा है? नहीं नहीं भाई, यहाँ पे तो कोई और होता, बारिश के छींटे आ रहे हैं, क्या बात है। ये देखो, उम्मीद करता हूँ आप सभी का रोज़ा अच्छे तरीके से गुजरा होगा। वैसे अभी जो शाम के 6:10 हो रहे हैं, तो वैसे पूरा टाइम पढ़ाई कर रहा था करके, आप कुछ दिखाया नहीं मैंने, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं। और वैसे अपनी इफ्तारी का टाइम है 6:37 का। तो वैसे ही मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ काम से, तो उसमें से एक काम ये है कि ये जो मेरा स्मार्टफोन है, जिसने मैं ब्लॉग रिकॉर्ड किया था, उस पर स्क्रीन का टेम्पर जाता है, फूट चुका है बुरी तरीके से, तो मुझे चेंज करना है। पहली फोर्स अपना तो ये देखो मैं इसके अंदर क्या क्या रखते हैं, तो इस बार मैं लगाएंगे तो सब प्राइवेट से जाता हूँ, आगे बजे तो गायब हो जाएगा। ठीक है भगवान, एक जमाने में लगाया करता था, अभी सोचा कि मैं नहीं लगा सकता,
तो सोच रहा कि मैं पेट्रोल भी ले लेता हूं साथ साथ देखता हूं A few moments later. तो जैसे मैंने कहा आपके पास टेम्पेट ग्लास लगा, उसके अलावा मैंने एक कवर भी लिया, उसके अलावा एक पॉप सॉकेट मैंने लिया। पॉप सॉकेट लेने की कोई जरूरत नहीं थी, तो बेसिकली एक कवर है स्क्रीन से। एक कवर लगाने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ मुझे अपना स्क्रीन गार्ड चेंज करना था। कवर लेने की जरूरत क्यों पड़ी और उसके अलावा ये पॉप सॉकेट लेने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बताता हूँ विस्तार में। किधर लिया मैंने पुराना कवर, हाँ ये पड़ा हुआ है, तो ये है मेरा पुराना कवर, जहाँ भी इसके पीछे ग्लास लगा हुआ था, ये ग्लास फूट गया तो ग्लास निकल के मैंने फेंक दिया कचरे के अंदर। और देन फिर ये मैं लगाया अपने माइक्रोफोन को लगाने के लिए, ये लगता है यहाँ पे, ये मैंने अपने हाथ से बनाया, एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, दैट्स व्हाई ये मैंने यहाँ पे लगाया था, एक हॉर्शू माउंट इसको बोलते हैं। ये मेरा एक परमानेंट सेटअप है, ठीक है, लेकिन वही ये देखो अब यहाँ पे ना, अगर मैं इसको फेविक्विक से चिपकाता भी हूँ तब भी ये पूरी तरह से फट ही जाएगा आजू बाजू में से। तो डेढ़ साल में सोचा एक न्यू कवर लेता हूँ साथ ही साथ। ये पॉप सॉकेट मैंने क्यों परचेज किया अब तक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी तक अगर आप नहीं समझे तो फिर ये आप देखिए, आपको मैं लाइव डेमो दिखाता हूँ। ये लगा दिया मैंने अपना माइक्रोफोन का जो है इनपुट अंदर, और क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर कोई जगह नहीं है लगाने के लिए, सो ये लग गया यहाँ पे, कैन सी। एंड यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से मोबाइल पकड़ के ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। वक्त अभी ऐसे आपको बता दो, अभी जब रात के 2:45 बजने वाले और इनमें 2700 रोज आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है भाई क्रिएटर की लाइफ, ना चाहते हुए भी अपने कुछ खर्चे हो ही जाते हैं। अगर मैं कोई नॉर्मल पर्सन होता, जैसे अभी भी मैं नॉर्मल पर्सन ही हूँ, पर स्टिल क्रिएटर बोला मैं अपने आपको, क्रिएटर हूँ, ऐसे थोड़े बहुत खर्चे हो ही जाते, एक्स्ट्रा थोड़े बहुत खर्चे बोलने में आसान लगता है, लेकिन लगता है दिल में भाई नहीं करना चाहिए था। अपना काम ही भाई यही है जिसके लिए खर्चा करना पड़ता है, माइक्रोफोन खरीदने पड़ते हैं, ट्राईपॉड खरीदने पड़ता है, पूरी रात जग के वीडियो एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, वाईफाई लगाना पड़ता है वीडियो अपलोड करने के लिए, नहीं तो 10-10 GB की फाइल कैसे अपलोड होगी। फिर सहरी करने के बाद मैं फ्रेश अप हो जाऊंगा, इसके बाद फिर सोचा कि मस्त पड़ गया, थोड़ा बहुत सो जाऊंगा क्योंकि आज भी मेरा टेस्ट है। यस, आपके लिए जुमा होगा शायद से, सैटरडे होगा, मुझे पता नहीं ब्लॉग में कब तक डालूंगा। हाँ माँ, हाँ अम्मी जान ने आवाज़ दी थी, अब तो जाना पड़ेगा चाय के लिए, तो चलते हैं। वैसे ये ब्लॉग में अपने आईफोन पे रिकॉर्ड करो अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए, आईफोन से याद है अपना आईफोन का भी कवर चेंज किया, तो ये स्विच करते हैं वीवो V20 के ऊपर ही। और ये रहा मेरे आईफोन 7 प्लस का ब्रांड न्यू कवर, जो कि मैंने कल परसों लगाया था शायद से, आई मीन खरीदा था। एंड ये वीडियो में स्विच के लिए अपने वीवो V20 के ऊपर, चलिए फिर सहरी करते हैं, शबे मेरा स्किन होते आ जाइए। राइट, सो गुड मॉर्निंग, सहरी करने के बाद नमाज पढ़ाना है, उसके बाद मेरे बच्चे की होगी, और अभी फट टू बन होता हूँ। आज का पेपर अपना अच्छा गया, थोड़ा बहुत आज का थोड़ा अच्छा गया, इंशाल्लाह फाइनल में लिख देगी, इंशाल्लाह ये आइडिया हो गया अपने। हाँ आइडिया तो मैं आ रहा था पहले, मैं तुमको क्या बोला आइडिया लेने के लिए आना पड़ेगा अपने भाई, मेरे को तो टेंशन लग रहा था, टेंशन मतलब कैसा, थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। और भाई कैसा गया पेपर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, सही है, बेस्ट ऑफ लक हम सबको। और सब मुंबई का अभी का तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस, साथ में हल्की हवा चल रही है, जो कि इतना कुछ फील नहीं होती गर्मी, सही है उससे प्रेजेंट। तो भाई आज क्योंकि अपना पेपर जल्दी हो गया करके अपन जल्दी छूट गए, तो दौर की नमाज में थोड़ा वक्त है। और बाकी रोज़ा तो ऐसे सच कुछ फील ही नहीं हो रहा है, ना प्यास लग रही है ना भूख लग रही है, कल भी रोज़ा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था, सोचा कि ब्लॉग एंड कर दो, लेकिन आज की इफ्तारी का भी सीन हम देख लो। वैसे कल जब के भाई का टेस्ट है, तो जिस दिन ब्लॉग देख रहे हो आपके भाई के लिए दुआ करना, जुमा की नमाज के बाद, जुमा की नमाज के बाद या पूरा दिन भी, आप सभी लोगों को जुमा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक, क्योंकि आज जो है थर्सडे लेकिन आपके लिए जुमा होगा। भाई नमाज दुआ जो होती है अलहमदिल्ला, और वैसे भाई अभी जो है थोड़ा बहुत चक्कर आ रहा है क्योंकि मैं बहुत कम थी लिखी, तो सर ये बात है तो लगभग 7:30 बजे तक उठा, 9 बजे साउट से थी, मुश्किल थी मुझे 2 घंटे की नींद मिली, तो इससे अच्छा कि मैं सर दर्द करना स्टार्ट हो जाए, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा, उसके बाद सीधा उठ के ब्लॉग एडिट करूंगा, उसके बाद सर उसके बाद इफ्तारी और फिर पढ़ाई करना मिल जाएगा। तब शबे में इसकी 27 रोजे की इफ्तारी की तैयारी हो चुकी है। राहुल मेरे भाई क्या रोज़ा फील हुआ? एकदम स्मूथ आज का दिन, आज का भी और कल का भी, अभी चार बजा जाके भी आया कैसा रहा रोज़ा लगा? अल्लाह पाक आप सबके हम सबके नमाजे रोजे कबूल फरमाए, आमीन। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना फॉर मोर अपडेट। इस वीडियो इस ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे, नया रिव्यू मिलता है आपको बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।